घगर नदी पर बढ़ते जल स्तर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आज रात राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गांव खैरका के नज़दीक में पुल का एक हिस्सा धस गया। करीब 3 फुट तक पुल बैठ जाने से यातायात बाधित हुआ। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद यातायात को डाइवर्ट किया गया। पुराने पुल से वाहनों को निकालना शुरू किया गया है। नए बने पुल के धस जाने से ग्रामीण लोगों में परेशानी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी सख्ती में हैं। फिलहाल इस पुल पर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। सड़क के बीचों बीच लंबी दरार खींच जाने के कारण और साथ ही करीब 3 फुट पुल बैठ जाने के कारण यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। घगर पर लगातार बढ़ते किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं किसान भी परेशान हैं। खतरे के निशान से करीब 2 फुट नीचे पानी बह रहा है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और पूरी तरह से रात दिन ग्रामीणों के साथ में जाकर यहां पहरा देंगे। फिलहाल लोगों के साथ साथ प्रशासन भी सख्ते में आ चुका है। घगर के साथ लगते गाँव और खेतों में किसान खासे परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि इसी कारण से पानी बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। वहाँ जो है आवाजाही जो है बंद कर दी है यातायात, और पूरा प्रशासन जो है इसकी देख रेख में लगा हुआ है, और कोई खतरे वाली बात नहीं है। प्रशासन जो है पूरा नुकसान जो है नई मिट्टी है वो बैठने धसने से जो है पुल का जो साइड का परला हिस्सा बैठ गया जो सरसे की तरफ से आता है। खतरा जो है वो फिलहाल नहीं है, बंद कर दिया। खतरे वाली चीज़ें जो है वो परली साइड में जो पुल पुराना वो चल रहा है, आवाजाही चल रही है, इसमें खतरे वाली बात नहीं। दोनों तरफ बंद कर दिया आना जाना। पानी पानी कितना बड़ा है? पानी लगभग 13 फुट 14 फुट लगभग। ग्राउंड लेवल 14 फुट है।